हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि सोती हुई सरकार पर बादलों का प्रहार हो गया। नीतीश कुमार की बहार वाली बयार में जल का जंगल राज स्थापित हो चुका है। कल जो पानी घुटने तक था, आज वो गले तक पहुंच चुका है, और कल अगर वो सर के ऊपर निकल जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बिहार के सीतामढ़ी से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। ऐसे चेहरे आए हैं जो गले तक पानी के बीच खड़े हैं और सौगंध खाकर कह रहे हैं, साहब आपका सिस्टम फेल है, नेताजी लोगों का हमसे नहीं कोई मेल है। जिस पानी में मैं खड़ा हूँ, ये इस वक्त के बिहार की हकीकत है, और ये एक जिले की बात नहीं है, लगभग सभी जिलों के हालात ऐसे ही हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें देखकर शर्म आनी चाहिए कि ऐसी तस्वीरें हैं। सर पर खाना है और नीचे ये बच्ची इसी पानी के बीच में डूबकर खाना लेकर पार कर रही है। ये देखिए, ये जोंक, बिच्छू, सांप, सभी का डर बना रहता है, और देखिए कि ईंट से कितने कितने यहाँ पर जोंक हैं जो निकल रहे हैं। अब इनके बीच ये परिवार जो है पिछले लगभग 10 दिन से इसी तरीके से रह रहा है। तो हमको रोड बना दीजिए चलने का साधन, और हम बिला चुराए खाने का साधन दीजिए। बोलते हैं कि दाई माए वोट दो, आपको ऐसे करेंगे, रोड बनाएंगे, कल देंगे, खाने का कोई साधन करेंगे, कहाँ कुछ मिलता है, कहाँ कुछ मिलता है। बाढ़ में डूबा ये सवाल इनका है, और हमारा सवाल ये कि ये बाढ़ बिहार का मुखत्तर है या फिर इन लोगों के माथे पर इसे बड़ी ही बेरहमी से मर दिया गया है। ये बाढ़ बिहार की तबाही है या फिर सरकारी नीतियों की कोताही है। ये बाढ़ जिसमें सीतामढ़ी के सीने तक चढ़ चला है पानी, वो बागमती का अंश है या फिर सड़ चुके सिस्टम का दंश है। ये बाढ़ आखिर है क्या चीज जो बिहार में बारिश की मौसम की तरह हर साल आती है, हर साल इन्हें बेघर कर जाती है, हर साल ये बेसुध होते हैं, हर साल होते हैं बेजार। बचवा कर लेके बीमार नहीं हुई का? अब रास्ते अभी तक की कर रही है, तो रोज जाता लिया है खाना है। डूब गेली हमरा सके साधन कुछो के हैबे ना करै, कुछो के ना एकदम में ना रोम में पानी डूब पानी के कुछो के ना दाना पानी के कुछो के ना। माँ सीता की जन्मस्थली बिहार के सीतामढ़ी जिले के जगन्नाथ पितोजिया गांव की आंखों में पानी हो या फिर सीने तक पानी, हर गांव की कहानी हो, नीतीश सरकार को पिछले 15 सालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर खबरों की इस अंधी दौड़ में आपका एक चैनल है एबीपी न्यूज, जिसे हर साल हर बार फर्क पड़ता है, जो भारत के लिए असल भारत की बात करता है, जिसके पास आदर्श जैसे कुछ जिद्दी रिपोर्टरों की जात है। जिसके पास राजेंद्र जैसे कुछ काबिल कैमरामैनों की कायनात है, जो बरबहस दूर दराज के गांव देहात तक पहुंच जाते हैं, सीने तक पानी में जिंदगानी को ताक पर रखकर उतर जाते हैं। और दिल्ली की धमक से दूर ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बिहार की मसनत पर इन गांव वालों ने जो मुनसिफ बिठाए हैं ना, उनकी मसनत को जरा सरकाया जा सके, उनको सत्ता की सुरीली नींद से जगाया जा सके और समझाया जा सके
कि ये बाढ़ आपके पाप की बपौती नहीं, जो हर बार इन गांव वालों को इसमें झोंक देते हैं। हर साल महीने दो महीने के लिए इनकी लड़खड़ा लड़खड़ा कर जैसे तैसे चलती जिंदगी को भी अपने सड़ चुके सिस्टम से रोक देते हैं। इतने मुसीबत झेलते हैं, हो सके कल को सांप इसको डस ले या किसी प्रेग्नेंट हो तो वो कैसे रोड पर जाएंगे, तब तक पानी में इनके साथ क्या हो जाए कोई जानता है। क्या बिहार सरकार इसका रिस्क लेंगे? नहीं, बिहार सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है और किसी चीज से नहीं। आदरणीय बिहार सरकार, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। प्लीज हमारे दलित समाज है, चाहे जो भी समाज है, उनको ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हमारे जन्म अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं। हम लोग भगवान की तरह आपको पूछते थे, इसका मतलब है कि आप हमें अपने प्रजा को ध्यान दीजिए। इनका माजी बर्बाद था, इनका मौजूदा वक्त भी तबाह है, मगर इनके मुस्तकबिल को बचाना है, इनके हक में हर मुमकिन आवाज को उठाना है, इनके दर्द को पटना से लेकर दिल्ली के तख्त तक पहुंचाना है। और वो आवाज हम उठाएंगे, वो दर्द हम दिखाएंगे, उन सत्ताधीशों को नींद से हम ही जगाएंगे। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के हाईवे पर जगन्नाथ पितौजिया गाँव में मौजूद है। तस्वीर आप देखिए, 70 साल से ज्यादा की बुजुर्ग है ये, और इस पानी के बीच में निकल रही हैं। अगर अब भी इस जिम्मेदारों को शर्म ना आए तो मुझे शर्म आ जाएगी ये तस्वीर दिखाने में। ये इनकी स्थिति है, सोचिए, आंखों से आंसू आ रहे हैं और कह रही हैं कि पूरी जिंदगी देख डाली ऐसी ही स्थिति में। साहब, ये इसी पानी के बीच में निकलते हुए पूरी जिंदगी पार हो गई है, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया है। वोट के समय में आते हैं क्या माता जी? वोट के समय में तो वोट के समय में सबे वोटे में अब ऐसी वोट लेने लगी। गला रुंध जाता है, दिमाग रुक जाता है, और फिर बेजार हो चली बूढ़ी जुबान बड़ी ही बुलंदी से कहती है, बस बहुत हुआ नेताजी, उम्र बीत गई, मगर अब तुम्हारे झूठे संसार को हम नहीं मानेंगे, अब तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें परवरदिगार नहीं मानेंगे। आना जरा इस बार तुम वोट मांगने, बताएंगे डंडे को पकड़कर चलती इन बूढ़ी उंगलियों की ताकत का एहसास तुम्हें कराएंगे। कसम बागमती मैया की, आना जरा इस बार तुम्हें ठेंगा ही दिखाएंगे। बोलते हैं कि दाई माए वोट दो, आपको ऐसे करेंगे, रोड बनाएंगे, कल देंगे, खाने का कोई साधन करेंगे, कहाँ कुछ मिलता है। यहाँ दादी की जुबान सरकार से सवाल करती है तो उनके बालों पर चलती मकड़ी उनके वजूद से। दादी के बालों पर चल रही मकड़ी तो आसानी से दिखाई देती है, मगर सिस्टम के मकड़जाल को आज ध्यान से देखना जरूरी है, जिसकी वजह से सीतामढ़ी के इस पूरे गांव में कहीं कमर तक तो कहीं गले तक पानी भर चुका है। घर से लाठी लेकर निकलना पड़ता है चलने के लिए, पानी में पनपने वाले जीव जंतुओं से बचने के लिए। और इस पर हालत ये है कि अब तक कोई भी इस गांव में सुध लेने नहीं आया। घरों में पानी की घुसपैठ हुई तो कई लोगों को बाहर जाना पड़ा, और उन लोगों को गांव से ही खाना पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाते हैं जरा वो भी देखते चलिए। गांव के बच्चे ऐसे गले तक पानी को पार कर खाना पहुंचाते हैं, और इस पानी के बीच वो माँ भी बसती है, जिसके एक हाथ में रोटी है, दूसरे हाथ में बेटी है। रोटी के खातिर बेटी को सीने से लगाए पानी में समाकर चल देती है, और जब कैमरा देखकर माँ के साथ ये नन्ही सी जान मुस्कुराती है ना, तब कसम से ये मुस्कान कलेजे में उतर जाती है। और ये तस्वीर बताती है कि ये बिहार है बाबू, मुश्किलों से लड़ना, हालातों से भिड़ना तो दूध के दांत यहाँ सीख लेते हैं। सीख लेते हैं वो इस तरह से पानी में जीना, सीख लेते हैं इस तरह से पानी में मरना। बचपने से लेकर बुढ़ापे तक हर चेहरा सब कुछ सीख लेता है, मगर नहीं सीखती तो सरकारी नीतियां, नहीं सीखते तो नीति निर्धारक, और उनके ना सीखने की वजह से इन्हें जिंदगी भर बाढ़ जिंदगी का सबक सिखाती रहती है। कपड़ा सा है सर, खाना लेके जाई छी। खाना लेके जा रही हैं? ना वो नहीं मिलता है ना, कुछ ना। कैसे आप लोग आते जाते हैं? ऐसा ही जाई छी सर, हेल के डुबई तुबई। ये एक छोटी बच्ची है और खाना लेके जा रही है। बेटा क्या खाना लिया इसमें? हाँ खाना। तो इसे रोज आते जाते हो? हाँ रोज। हाँ ना वो नहीं मिलता? नहीं। कहाँ से आ रही हैं आप? घर से आ।
बचवा कर लेके बीमार नहीं होगा? तब रास्ते अरे तक की कर रही लेकर तो रोज क्या लिया है खाना है तो ये बच्चवा को बीमार नहीं होता? अब बीमार होती तो हम की करी रोज तक लेके जाबे करू अबे करू खाना ले। हो सकता है इस माँ की जुबान आपको कम समझ आए मगर हालात और जज्बात तो बखूबी समझ आ रहे होंगे। यहाँ का आलम यह है कि घर घर में पानी की घुसपैठ है, जर्रे जर्रे के जहन में बर्बादी का डर। घरों में पानी कुर्सी पर जा बैठा है, जैसे दफ्तर में बड़का बाबू साहब लोग तोंद टिका कर बैठते हैं। दोनों में बड़ी समानता है, न वो अपनी कुर्सी से हिलते हैं और न ये पानी हिलने का नाम ले रहा है, बल्कि इस पानी की मंशा तो कुर्सी समेत पूरे घर को निगल जाने की लगती है। जिस गांव में मौजूद हूं इसके अंदर बागमती नदी का पानी घुसा है और बागमती जैसी जो और छोटी नदियां हैं, चाहे वो मनुष्यमारा की बात करें, गंडक की बात करें, बूढ़ी गंडक की बात करें, ऐसी सभी नदियां लगभग अब बिहार के छोटे शहरों में ऐसी ही तबाही मचा रही हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये घर डूब गए हैं, साथ ही साथ जो चौकी होती है वो डूबी हुई है, खाने के लिए जो सामान रखा जाता है वो डूब गया है। आलम यह है कि अगले कुछ दिनों तक इस गांव में चाहकर भी कोई रह नहीं पाएगा। मुश्किल सिर्फ पानी नहीं है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की नाकामी भी है, क्योंकि पानी को लगे 3-4 दिन हो गए हैं। बिजली के नंगे तार मौत की तलवार की तरह यहां अब भी लटक रहे हैं, लाइट बराबर आ रही है। और इसके बावजूद राहत बचाव के लिए सीतामढ़ी के इस जगन्नाथ पितोजिया गांव में कोई पहुंचा नहीं है। और जब हम पहुंचे तो गांव के निवासी चंदन कहते हैं, धन्यवाद एबीपी न्यूज, सालों में पहली बार तो यहां कोई सुध लेने आया है। बिहार की इस बाढ़ की तस्वीर हम हर बार आपको दिखाते हैं और हर बार कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और हैरानी की बात यह है कि हर बार प्रशासन यहां पर पहुंचता नहीं है। इस वक्त मेरे सीने से ऊपर तक का यानी गर्दन तक का पानी है और इसी बीच में तमाम मेरे पीछे आप घर देखेंगे, दूर तक आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। आप एक घर की बात ना करें, आप जितने भी घर यहाँ पर दूर तक देखेंगे इसके पीछे के 3 से 4 गांव ऐसे ही बागमती नदी के पानी से डूबे हुए हैं। हम लोगों से पहले कोई यहाँ पे आया है आज तक? जी नहीं, मैं तो एबीपी न्यूज को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहली बार है जो कि इस तरह हम लोग के पानी में हेल के हम लोग को हाल समझे और दर्द समझे, और इनके माध्यम से हमारे बिहार सरकार के पास ये न्यूज चला जा रहा है। आदरणीय बिहार सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये हमारे दलित समाज हैं ये पूरे, पहले इनका ध्यान दें, क्योंकि ये लोग इतने मुसीबत झेलते हैं। हो सके कल को सांप इसको डस ले या किसी प्रेग्नेंट हो तो वो कैसे रोड पर जाएंगे, तब तक पानी में इनके साथ क्या हो जाए कोई जानता है? क्या बिहार सरकार इसका रिस्क लेंगे? नहीं, बिहार सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है और किसी चीज से नहीं। आदरणीय बिहार सरकार, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। प्लीज हमारे दलित समाज है, चाहे जो भी समाज है, उनको ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हमारे जन्म अन्नदाता है, हमारे भगवान है, हम लोग भगवान की तरफ पूछते थे, इसका मतलब है कि आप हमें अपने प्रजा को ध्यान दीजिए। हमें शुक्रिया नहीं चाहिए दोस्त, हमें तो बस सत्ता को आपका संदेश देना है कि ये देश जिनसे चलता है सरकारें उनका ख्याल रखें, क्योंकि बाढ़ से ग्रसित ये कोई इकलौता गांव या सीतामढ़ी इकलौता जिला नहीं है। बिहार के 11 जिलों के गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में सबसे बुरा हाल है और उसी हाल का नीतीश कुमार की सत्ता से सीधा सवाल है। चूंकि बिहार में ये चुनावी साल है तो नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी मधुबनी की बाढ़ में पहुंच गए और एक सवाल अपनी तरफ से भी पूछ लिया। हमारा बार बार ये सवाल है कि डिजास्टर के पहले हम लोगों को जो है चीजों को इंतजाम करना चाहिए, ना कि डिजास्टर के बाद। इस कहर में नीतीश कुमार अदृश्य है, 90 दिन क्या 125 दिन से वो गायब हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे।